नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो तिनसुकिया का जो ट्रैफिक जो सिग्नल था, ट्रैफिक सिग्नल का जो समस्या जनप्रतिनिधियों के नज़र में लाए, और लगातार इसी वजह से हमने कई एपिसोड जो यहाँ का ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइटें हैं प्राय बंद हुआ करती थी, और जिसकी वजह से यहाँ जिस तरह का एक ट्रैफिक की समस्या होने के साथ ही जो लोग गाड़ी लेकर आते जाते थे उनके लिए खतरा बना रहा करता था, और इसी वजह से हम लगातार समाचार करते आ रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल का जो मैं हालत है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल जरूर बनाया गया है और चारों तरफ देखेंगे यहाँ प्रचार ही प्रचार आपको दिखाई देगा, लेकिन जो ट्रैफिक सिग्नल का जो लाइट है ये लाइट आपको दिखाई नहीं देगा जलते हुए। और चुका शहर का जो ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल को लेकर हम लगातार समाचार प्रसारित करते आ रहे हैं, और तिनसुकिया का जो ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल का जो हालत है बद से बदतर है। और जो जिस समय पूरे असम में डिजिटल ट्रैफिक सिग्नल देखा जा रहा है, उस समय जो तिनसुकिया का ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल का किस तरह बदतर परिस्थिति है आप देख सकते हैं। और इसी बीच देखा गया है कि जो ट्रैफिक सिग्नल का जो डिजिटलाइजेशन है कर दिया गया है, डिजिटल ट्रैफिक सिग्नल का शुरुआत किया गया है, और आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह का जो तिनसुकिया का थाना चाराली का जो दृश्य है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह यहाँ डिजिटल ट्रैफिक सिग्नल का शुभारम्भ किया गया है, और जिसके वजह से जो जिस तरह की समस्याएँ हुआ करती थी आज लगभग ट्रैफिक की समस्या लगभग काफ़ी समाधान होने की दिशा में है। ट्रैफिक का जो समस्या है लगभग समाप्त होने की दिशा में है। जिस तरह जो लगातार ट्रैफिक सिग्नल खराब होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक को हमेशा रहना पड़ता था, ट्रैफिक पुलिस को हमेशा रहना पड़ता था, लेकिन आज जो लाइट है, लाइटें जलने की वजह से जो है यह जो समस्या है लगभग ट्रैफिक को कंट्रोल करना नहीं पड़ता। डिजिटलाइज ट्रैफिक सिग्नल की वजह से लोग आज खुद ही जो सिग्नल है देख कर रुक जाते हैं, या जो इस तरह की जो यह समस्या हुआ करती थी यह समस्या समाधान होने की दिशा में है, और इसी वजह से हमने यह जो समाचार है, जब ट्रैफिक की समस्या हुआ करती थी, ट्रैफिक सिग्नल की लाइटें नहीं जला करती थी, तब हमने यह समस्या लगातार दिखाने की कोशिश की, और जब समाधान हुआ है हमने उचित समझा कि यह जो समाधान किया गया है सरकार के द्वारा यह भी आपके नज़रों में लाया, और इसी उद्देश्य से हमने यह समाचार आज संग्रह किया है। हम और भी खबरों और भी समाचारों के साथ फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। फिलहाल मैं लूँगा विदा, हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।